2024 चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच रस्साकशी का खेल पहले से जारी है। चुनाव करीब आते आते टिकट्स की दावेदारी को लेकर टूट फूट का सिलसिला भी तेज हो चला है। अभी और होगा, कहीं कुनबा जोड़ने की जुगत है तो कहीं बचाने की। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, चौबीस के लिए दिल्ली दौर की तैयारी अब आखिरी दौर में है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में जबरदस्त मंथन जारी है। इस दौरान तोड़फोड़ और पार्टी छोड़ का खेल भी तेज हो चुका है। जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। जीत की दावेदारी दोनों तरफ से है, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ जिस इंडिया गठबंधन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी उसमें अब तक कई दरारें सामने आ चुकी हैं। हाल के राज्यसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष के खेमे में जबरदस्त सेंध लगी है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा चुनाव में एसपी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और एक विधायक गैर हाजिर रहे। बीजेपी को इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। परिवर्तन हुआ है। एसपी के सचेतक रहे मनोज पांडे, रायबरेली से विधायक हैं। मनोज पांडे को रायबरेली से टिकट मिलने की उम्मीद है। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी, तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है, कि कोई खाली हाथ लौटा है। इसके साथ अमेठी, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर और बदायूं की सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई। उधर जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन से पहले ही किनारा कर लिया था। कल उनकी पार्टी आधिकारिक तौर पर एनडीए के साथ हो गई। इंडिया गठबंधन के लिए राहत की बात बस इतनी है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है, लेकिन मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मध्य प्रदेश में भी एसपी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। यहाँ की 29 सीटों में से समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली है। 2019 लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा की मिली थी, कमलनाथ के प्रभाव वाली है, जहां से उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। इस एक सीट को लेकर भी दुविधा बरकरार है। कमलनाथ खुद अपनी विदाई का संकेत देते दिख रहे हैं। दिल्ली की रेस में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार में रस्साकशी का खेल नीतीश के पाला बदलने के बाद से ही बदल चुका है। नीतीश कुमार अब यकीन दिला रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ। ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, पांच से। विश्वास प्रस्ताव के दिन से ही आरजेडी और कांग्रेस में भगदड़ शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 2 विधायक एनडीए के खेमे में जा चुके हैं। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी कह दिया है कि नवादा से टिकट मिला तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। विपक्ष के सामने चुनौती उन राज्यों में सरकार बचाने की भी है जहां एनडीए की सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग के बाद सुक्खू सरकार पर खतरा अभी बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुद बीजेपी की मुरीद नजर आ रही हैं। गुजरात, राजस्थान सहित तमाम राज्यों में ऐसी ही तोड़फोड़ चल रही है। इंडिया गठबंधन के सामने सीटों का बंटवारा ही नहीं, अपना कुनबा बचाना भी बड़ी चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी एनडीए हर रेस में फिलहाल आगे ही नजर आती है, वो इसलिए भी कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी। अभी गठबंधन में फैसला ही नहीं हो पा रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां से किसको मैदान में उतारा जाएगा। अभी कुछ भी सामने नहीं हुआ है और कब तक ये चीजें क्लियर होंगी ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की घोषणा फर्स्ट फेज में कर दी। पहली सूची आ चुकी है, ये आपको हम दिखा भी रहे, जो लिस्ट में बड़े नाम है, किसको कहां से मौका दिया गया है। ओम बिरला स्पीकर लोकसभा सीट कोटा से ही ये लड़ेंगे। और सबसे पहले शुरुआत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो सांसद जहां से वाराणसी, वो तीसरी बार वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी,
अब शिवराज सिंह चौहान, इनकी सीट देखिए, विप्लव कुमार देव, तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लोकसभा सीट इनका त्रिपुरा पश्चिम, विप्लव देव, और ये जो छह तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें क्या क्या बड़ी बातें हैं नजर डालिए। चार सांसदों का दिल्ली में टिकट कट गया है और जो पांच नाम ऐलान किए गए हैं उनमें से चार नए चेहरे हैं। भोपाल में क्या खास देखिए, मध्य प्रदेश में कि प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया, इन पर गाज गिरी। लखीमपुर खीरी में इन पर विश्वास किया गया है, मिश्रा जी पर, टेनी जी को, अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिया है, पार्टी ने भरोसा किया है। पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है। अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। दायित्व मुझे दिया है, अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प पे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाए। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।